हम देश के प्रशासन को अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, बोले सो निहाल। अज असी इतने बथूनी चौक में बड़े दुख के नाल खड़े हुए हैं। ये साढ़े को सारी जितने भी गुरुद्वारे के प्रेजिडेंट न, सरानू के प्रेजिडेंट, सोनी गुरुद्वारे के प्रेजिडेंट, बथूनी गुरुद्वारे के प्रेजिडेंट, सरानू के जिते सारे प्रेजिडेंट आए हैं। असी अज एक एडमिनिस्ट्रेशन को यह एक मैसेज जाना चाहते हैं कि रात को मेरी गल हुई एस पी साहब नाल, उन्होंने कहा, साहब ने कहा कि अब तुम इतने परमिशन नहीं है, फिर भी असं उन्हों का थैंक्स करते हैं कि उन्होंने सानू 25-30 लोगों की परमिशन दी गई है। तो असी अज एक साढ़े एक पंजाबी लैंग्वेज नाल एक धक्का होया, मैं कहना शर्म की गल है सरकार नू और सेंटर नू कि जे जे साड़ी मां बोली जिहड़ी पंजाबी है उहदे विच सानू बहुत बड़ा धक्का जम्मू कश्मीर विच मिलिया गया। चार बोलियां जिहड़ियां होईयां असी सहमत हां उन्हां नाल, मगर साड़ी बोली ने जिहड़ा रिवार्ड किया गया गौरमेंट ने, असी इसका बर्दाश्त नहीं करांगे। असी यह कहांगे गौरमेंट नू कि जे तुसीं चार बोलियां तुसीं ऐड कीतियां ते पंजाबी बोली साड़ी मां बोली है जिन्हां ने देश विच कुर्बानियां दित्तियां सिखां ने, वो अज तुसीं याद करो। और नाल असी यह कहिंदे आ जिथे ककौर 90 का चक्कर बनिया सी, अज 6 महीने तू इतने सिख भाई जिहड़ी सेवा कर रहे हैं देश विच विदेश विच, और साड़ी संगत भुल गई और साढ़े मंत्री भुल गए सेंटर दे और स्टेट दे, और मैं यूटी बनी है, मैं इस मुबारक देना और मैं गवर्नर साहब नूं यह अपील करदा कि जे साड़ी मां बोली है इसनों लागू किया जाए। नहीं तो असी साडा अज प्रदर्शन होया सिर्फ साढ़े गुरुद्वारे के प्रेजिडेंट आए, असी कल नूं रोड स्ट्राइक करांगे, रोड बंद करांगे और डीसी ऑफिस जाके घिराव करांगे और जाके जम्मू कश्मीर हाय हाय करांगे अगर साढ़े नाल यह मां बोली सानूं नहीं दी जाएगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रधान गुरुद्वारा सरानू, हमको सानू एक बहुत दुख होया है कि जो गवर्नमेंट ने जो अभी जो जिन भाषाओं का उनको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है उदा बिच सानू इदा कोई दुख नहीं है कि उन्होंने उर्दू, इंग्लिश, डोगरी, कश्मीरी इन्हों शामिल करके, मगर अफसोस की गल यह है कि पंजाबी जो लैंग्वेज है जो बहुत ही पुरानी इतने की भाषा सी। महाराजा रणजीत सिंह जदों इस जे एंड के में खालसा राज सी उदों तो ये बोली सी, बाद में महाराजा हरी सिंह के टाइम भी ये पंजाबी लैंग्वेज जो इतने चल रही सी, मगर हुण अफसोस है जो असी काफ़ी देर तो स्ट्रगल कर रहे सां कि पंजाबी जड़ी है इतने ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की जाए, मगर उल्टा ये होया कि इस लैंग्वेज नूं ही इतों ऐड नहीं किया है जिहड़ियां उन गवर्नमेंट ने ये पंज जिहड़ियां भाषावां लागू कीतियां हन। अज तुसी देख रहे हो कि ये पंजाबी लोग लैंग्वेज जिहड़ी है ये किसी खास मजहब के नाल नहीं है, पूरे इलाके विच ये जितना भी साडा जे एंड के है, साढ़े डिस्ट्रिक्ट पुंछ, रजौरी, जम्मू, सांबा, हर जगह हर जो है जो किसी भी कम्यूनिटी का लोग है इस भाषा नाल जुड़िया होया है। अज तुसी देखते हो चाहे मंदिर विच कोई जगराता होए, चाहे कोई ब्याह शादियां हन, उत्थे सिर्फ पंजाबी दा ही बोलबाला हुंदा है, मगर ये गवर्नमेंट डेलीबरेटली इस लैंग्वेज नूं साइड कर रही है। और एक मनारटी कम्युनिटी, सिख इतिहास जो साढ़े धार्मिक ग्रंथ हैं वो इस भाषा दे विच हैं, मगर अफसोस ये है कि इस नूं इग्नोर किया गया है। और भी ये देखा जाए गया है कि ये जब ये यूपी इतने लागू हुई है मनारटी कम्युनिटी खास करके सिखा नाल बेइंसाफी हुई है, चाहे पीएससी कमीशन है
अज तक उसे एक सिख मैंबर हों मगर इस पहली फस्ट टाइम वो सिख मैंबर भी उन्होंने हटा दिता। एक सिख कैंडिडेट अगर कितने उलझदा है वो कि अपना दुखड़ा पेश करेगा। अज भी साढ़े कई केस हैं जोड़े सिख नौजवान हैं जिन्हों की नौकरियां पिछे किसी कारण टेक्निकल कारण उन्होंने होया तो उत्थे भी उन्होंने इग्नोर किया गया है। तो मेरा यही है साड़ा कोई एडवाइजर भी नहीं है जिससे साड़ी कोई आवाज़ कोई उठाए। मैं गवर्नमेंट नूं गवर्नर साहब नूं और जोड़े साढ़े आगू हैं चाहे वह बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं मैं उन्होंने अपील करांगा कि वह पुरजोर ये आवाज़ उठान ताकि ये पंजाबी जो इतना की मुख बोली समझी जाती है